dostluk edelim. Tuğla Valmiki yine Valmiki ile var değil. Avvahi Valmiki ne maharaz, संभल के कहने के लिए तुलसीदास जी बन गए। आपने सुना वही वाल्मीकि जी महाराज उसी चरित्र को संभल करके कहने के लिए क्या बन गए, उसी तुलसीदास जी बन गए। नाभाजी महाराज लिखते हैं पद्मा जी में क्या बोलो महाराज क्या काली कुटिल जीवन स्तार ही काली कुटिल जीव निस्तार ही वाल्मीकि तुलसी वही वही वाल्मीकि जी महाराज तुलसी में। तो कहीं कहीं पर हमने ये देखा है कि श्री वाल्मीकि जी महाराज जहां चुके वह गोस्वामी जी महाराज उसको संभाले हैं। आप समझे कहीं क्या मैंने देखा, मैं बड़े भक्तिपूर्ण के भाव से ग्रंथ पढ़ता हूँ बोला, ऐसा मत समझना कि मैं किसी का निंदक हूं, किसी का उठाने वाला हूं, किसी गिराने वाला हूं ना। हम कथा को वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा अनुप्राणित मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा कि वाल्मीकि जी चूके अब गोस्वामी जी महाराज ने उठाए। अब यहाँ पर वाल्मीकि जी महाराज ने वाल्मीकि जी महाराज ने राम जी बहुत नाराज, किसके ऊपर, श्री लखनलाल के ऊपर बहुत नाराज है। ये महाराज बढ़ता है कि तेरे मन में राज्य की कामना आ गई है, बहुत नाराज है महाराज, बहुत नाराज है, मेरे मन में राज्य की कामना आ गई, आ रहा है भरत, भरत के ऊपर मेरा अधिकार है। वो अभी एक अनूठा के भाव है भरत, मेरा भरत आ रहा है, मैं अपने भरत से कह के तेरे को राज्य दिला दूंगा। आप सुनिए गोस्वामी जी महाराज वो भी अनूठा है भरत, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने किसके लिए कहा है, लक्ष्मण जी का हृदय क्या है, आखिर लक्ष्मण जी आज भरत जी को मारना चाहते हैं, आज क्या भरत जी से कोई दुश्मनी है, भरत जी से कोई दुश्मनी है नहीं, आगे प्रश्न बताऊंगा, भरत जी से कोई दुश्मनी है नहीं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी भरत के महान भक्त हैं, लक्ष्मण जी भरत जी के महान भक्त हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उस भरत के महान दुश्मन है, अगर जान ले कि वह राम जी से दुश्मनी कर रहा है। संत सुदन जी महाराज लक्ष्मण जी के परम बात्सल्य पात्र है, सहोदर भाई चमच है ये गई माली को गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन कहते मैं उस संत सुदन को मैं करूंगा, कौन संत सुदन को, जो मेरे राग के विरोधी भरत के साथ राम जी के सामने बिगुल बजाने आ रहा है। तो श्री राम जी महाराज कहते ऐसा त्यागी लक्ष्मण जिसका अपने जीवन में कुछ नहीं रहा, जिसका बाप नहीं रहा, मां नहीं रही, भाई नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, ऐसे त्यागी का सम्मान करना चाहिए, इसको डांटना चाहिए। तो क्या मैंने वाल्मीकि के रूप में भले ही डांटा हो, लेकिन आज मैं समझूंगा और आज मैं समझ करके इसका सम्मान करूंगा। तो सुने सुने बचन लखन सकुचाने राम सिय सादर सन्माने, श्री राम और सीता ने सादर सम्मान किया है, अब क्या सम्मान किया है और कैसे किया है, अब ये उत्तर प्रसंग में आएगा। सियावर राम जन सुचाने राम सिय सादर सन्माने, सुनि सुर बचन, देवताओं के वचन को सुन करके श्री लक्ष्मण जी महाराज सकुचा गए। सुनि सुर बचन, देवताओं का वचन क्या था राम जी, सियाराम कि सहसा करी पाछे पछिताए कहीं वेद अनुचित उचित काज किछु हो समुझ करिय फल कह सबको। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, लक्ष्मण जी सकुचा गए, सकुचा गए अर्थात लक्ष्मण जी को तुरंत ही यह अनुभव हो गया कि हमसे भागवता प्राप्त हो गया,
क्या समझे? हमसे बहुत भयंकर भागवता अपराध हो गया, भागवत का अपराध हो गया, माने भक्त का अपराध हो गया, समझ गए? भक्त का अपराध। और ये ठाकुर की दृष्टि में अक्षम्य है, मेरी दृष्टि ठाकुर की दृष्टि में ठाकुर का अपराध कर दो ठाकुर क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध कर दो ठाकुर कभी क्षमा नहीं करेंगे, है ना? इसलिए लक्ष्मण जी महाराज समझाए गए, सुनिए सुर वचन लखन समझाने। अरे कितने समझाए गए, वाल्मीकि जी महाराज लिखा है कि लक्ष्मण जी मालूम पड़ा कि अपने शरीरियों में घुस जाएंगे, मालूम पड़ता अपने शरीरिया में घुस जाएंगे। लक्ष्मण प्रविवेश स्वानी गात्राणि लज्जया, लक्ष्मण प्रविवेश स्वानी गात्रेण स्वानी गात्राणि लज्जया, ऐसा मालूम पड़ता है कि लक्ष्मण अपने शरीरिया में घुस जाए। जो सब चाहता है वो कैसे रहता है? अच्छी बोल देखो, अभी अभी हम आपको कुछ कहें है ना, और आपको लज्जा लगे तो आप क्या करोगे? ऐसे बैठ जाओगे, ऐसे बैठोगे नहीं बैठोगे, और लज्जा नहीं लगेगी तो क्या करोगे? या लज्जा कहा भी हो बेशरम हो तो क्या करोगे? ऐसे बैठे रहोगे, है ना? समझ गए? समझ गए? अगर लज्जा लग गई तो स्वानी गात्राणि लक्ष्मण प्रविवेश स्वानी गात्राणि लज्जया, समझ गए? तो सुनी सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सनमाने। अरे लक्ष्मण के मन में ग्लानी आ गई, हाँ हाँ तुमने क्या कर। और जो लक्ष्मण के मन में ग्लानी आई, श्री राम सीता के आदर पात्र बन गए। कल बता दें, बता दे है भाव बता दे तुमने कि लक्ष्मण के मन में जो ही ग्लानी आई, श्री राम सीता जी के मन में आदर के पात्र बन गए। भाव कहने का क्या? ठाकुर अपराध करने वाले से घृणा नहीं करते, बड़ी बढ़िया बात। ठाकुर अपराध करने वाले से घृणा नहीं करते, ठाकुर किससे घृणा करते हैं कि अपराध कर भी ले, अपराध को माने भी नहीं और पुनः अपराध करे, उससे ठाकुर घृणा करते हैं। क्या समझे? और अपराध कर ले एक बार और उसके बाद ग्लानि से भर जाए, अरे मैंने अनुचित किया, अरे मैंने ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, इस प्रकार की भावना जब मन में आ जाए तो मुख से कुछ कहने की जरूरत नहीं, ठाकुर तुरंत आपको माफ कर देंगे, है ना? राम सिय सादर सन्माने, सादर सन्माने मतलब लक्ष्मण जी महाराज आप तो महान भक्त हैं, आपने जो कुछ भी कहा है सेवक धर्म के अनुकूल ही कहा है, आपने सेवक धर्म के प्रतिकूल कुछ नहीं कहा है। इस तरह से राम सिय सादर सन्माने, आप समझ गए? आपने जो कुछ कहा है वो सेवक धर्म के अनुकूल कहा है, इसलिए राम सिय सादर सन्माने। या लक्ष्मण जी महाराज ने राम सेवा की वेदी पर, राम की सेवा की वेदी पर अपने भ्राते प्रेम को बलिदान कर दिया, इसलिए राम सिय सादर सन्माने, समझ गए? सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कत कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। अब देखो, मैंने कल आपको बताया था, स्मरण होगा कि लक्ष्मण जी के इस बात को सुन करके वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज क्या हो गए? नाराज हो गए। वाल्मीकि जी महाराज के राम जी नाराज हो गए, कल बता रहे ना? लेकिन यहां राम जी नाराज नहीं हुए, कल बता क्या रहे? बल कर क्या रहे? अब राम जी लगे सोचने कि लक्ष्मण मेरा कितना बड़ा त्यागी, कितना बड़ा बलिदानी, मैं इसके बात को अगर काट दूंगा तो इसका मन दुखी हो जाएगा, तो हमको पहले क्या करना है कि हमको पहले लक्ष्मण का समर्थन करना है। लक्ष्मण तुमने बहुत अच्छा कहा, आप समझे? देखो
हकीकत कही तात तुम नीति सुहाई। यही से शुरू कर रहे हैं, शुरू यही है ना जी, यही शुरू। सबसे पहला वाक्य, हे भैया तुमने बड़ी अच्छी नीति कही। कही तात तुम नीति सुहाई, हमने भी माना तुम्हारी बात। क्या सबते कठिन राजमत भाई। हे भैया राजमत सबसे कठिन मद है। सबसे कठिन मद कहने के बाद मद तो कई प्रकार के होते हैं राम जी, मद कई प्रकार के होते हैं और उनमें राजमत बड़ा विकराल मद है। मद कई प्रकार के होते हैं, ये बहुत पढ़ लिख गवा ना, ये बहुत पढ़ लिख गवा हमारे पंडित की तरह से मद हो जाता है महाराज, दत्त हो जाता है। विद्या का मद होता है, होता नहीं महाराज, विद्या का मद, ज्ञान का मद। और जो महाराज बड़ा गोर और हो जाए, नाक नक्श अच्छा हो, शरीर उरी ठीक हो, तो फपकत राधिया देखा, यह देखा अपने स्वरूप का मद उसको होता है राधी, विद्या का मद। ये सब मद जो है ना, ये सब महाराज बुढ़ौती बर्बाद कर देती है, सब बर्बाद कर। तो यौवन का मद राम जी, विद्या का मद, तो क्या विद्या मद को बढ़ोती थोड़ी बर्बाद करेगी? विद्या मद को बढ़ोती बर्बाद करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? देखो हमको याद ही नहीं रहता, सब उतर गया मद। अब जब याद ही नहीं रहता तो क्या होगा? विद्या बहुत पढ़े होगा, बहुत ज्ञान हो तो नहीं, याद ही ना हो तो सब बढ़ोती बर्बाद कर देती है महाराज। लेकिन एक मत बड़ा विकराल मत है महाराज जी, सबसे बड़ा विकराल मत है, वो क्या है? सबते कठिन राजमत भाई। ये राजमत बड़ा विकराल मत है, इसी को श्रीमद भी बोलते हैं, इसी को श्रीमद भी बोलते हैं। रामायण में है कि नहीं? कहीं कहा है? श्रीमद वक्रन की न कही प्रभुता बधिर न काई। कुछ खाए हो तो जोर से बोले, इधर बिना पानी पे बोलते हैं। श्रीमद बकरन की न कही, बढ़िया फरार करा दो, बढ़िया सिकंजी पिला दो, जोर से बोले। श्रीमद बोलती गायब है गई। श्रीमद बकरन की न कही, क्या समझे? श्रीमद ने किसको वक्र नहीं कर दिया? श्रीमद क्या है ना, वक्र मन क्या होता है? टेढ़ा हो गया हो, प्यादे से फर्जी भया टेढ़े टेढ़े जाए, उस श्रीमद जो होता है ना वो टेढ़ा कर देता है राम जी, वो सीधा नहीं रहने देता है। श्रीमद यही न राजमद दीन कलंकु, कौन कह रहा है? मेरे राम जी कह रहे हैं, यही न राजमद दीन कलंकु। अरे एक मद और होता है क्या? क्या है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। आप सुने नहीं सुने? यह एक मत है महाराज, यो अंधा कर देता है जाति मत। हाँ साहब, जाति मत भी राम जी, जाति मत भी मत होता है ना। जाति विद्या महत्वंच, जाति विद्या महत्वंच रूप यौवन मेवच, जाति विद्या महत्वंच रूप यौवन मेवच, यत्नेन परित्यज्य पंचैते भक्त कंटका। ये पांचों भक्त के कंटक हैं महाराज जी, ये पांच जो हैं भक्त के कंटक हैं। कौन कौन से? जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, महत्व का अभिमान, रूप का अभिमान और यौवन का अभिमान, है ना? ये सब महाराज क्या है? क्या है सब? भक्ति कंटका। ये सब क्या है राम जी? भक्ति के रास्ते में कंटक है। तो सुग्रीव जी ने कैसा कहा जी? सुग्रीव जी ने क्या कहा? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हो सेवकाई।
के सब राम भक्ति की बाधक कहीं संत तव पद अवराधक। ये सब भक्ति के कंटक है। कुल जाति भय रूप ज्ञान ध्यान मद होय। कुल जाति भय रूप ज्ञान ध्यान मद होय। अविद्या धन अष्टम मदहि कहत राज मद कोय। ये सब मद है। कुल का मद, जाति का मद, वय का मद, सब पता चुका, रूप का मद, ज्ञान का मद, ध्यान का मद, और राम जी विद्या का मद, धन का मद, और आठवां होता है राज मद। ये सब महाराज बड़े बड़े मद हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ मद कौन है राजी? सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे सबसे दुष्ट मद है ना, कौन है? राज मद है। तो कही न राज मद दीन कलंकु। राम जी कही तात तुम सी नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। राज मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मात दे नाहिन साधु सभा जैसे। इसको जो अचवता है, जो अचवय, अचवय बने राम जी, अचवय बने राम जी, जो पान करता है, जो अचवय, ऐसे अचवना का अर्थ होता है महाराज जी खुला करते जेल या अचय क्या। लेकिन यहाँ पर अचवय का मतलब क्या है राम जी? पाना, पीना, पीना, पीने का मतलब है अचवय। सुन रे तुलसीदास प्यास पपी है प्रेम की, सुन रे तुलसीदास प्यास पपी है प्रेम की। परिहरी परिहरी राम जी परिहरी चारु आस, जो मचवे जल स्वाति को। राम जी परिहर चारु मास, जो अचवे जल स्वाति, जो अच चार मास का जल छोड़ करके पपीहा जो है केवल स्वाति का जल अचवता है माने पीता है। अच परिहर चारु मास, जो अचवे जल स्वाति स्वाति को। इसलिए राम जी अचवना माने क्या होगा? पीना। जो अचवय जो अचवत देखो मातहि तेई ना